first chapter, that is what is democracy, case studies of different countries. Case studies of different countries. Yes. When we will discuss this chapter, now first of all the meaning of democracy should be clear to you. Demo का मतलब क्या होता है? हाँ जी. Demo means. Yes, students. What is the meaning of demo? People. Demo means people. क्रेसी वर्ड जो है क्रेशिया वर्ड लैटिन वर्ड है लैटिन लैंग्वेज ठीक है उससे बना है तो इसका मतलब होता है रूल इट मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब होगा रूल ऑफ पीपल अगर हम अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन इसके लिए हम अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन जो है वो भी याद करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल हाँ जी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल हमेशा याद रखना ये आपने जब भी कोई भी डेमोक्रेसी का चाहे मीनिंग आए चाहे मेरिट्स आए तो डेफिनेशन हमेशा आपने एक बार उसको एक्सप्लेन जरूर करना ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल इसका मतलब लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है डेमो का मतलब ही क्या होता है पीपल ऑफ द पीपल का मतलब होता है लोगों की है गवर्नमेंट फॉर द पीपल का मतलब होता है लोगों के लिए काम करती है बाय द पीपल का मतलब होता है लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई ठीक है अब जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी माना गया पूरे वर्ल्ड में ये माना गया है कि हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है ना वो लार्जेस्ट है क्यों क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो किसी और कंट्री में देखे नहीं जा सकते अब वन बाय वन हम अपनी कंट्री की जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है ना इसको बाकी कंट्रीज से कंपेयर भी करेंगे देन यू विल बी एबल टू नो कि वी आर फार बेटर एंड वी आर वेरी लकी दैट वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिकॉज इन मेनी कंट्रीज Those countries they call themselves as democratic. अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना तो जिन केस स्टडीज की हम बात कर रहे हैं ये कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज की लिस्ट में आती हैं लेकिन वो डेमोक्रेसी की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करती कैसे नंबर वन पाकिस्तान यस इसमें हमने पाकिस्तान की जो पोजिशन लेनी है मीन्स आपकी बुक के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड दिया गया है परवेज मुशर्रफ इस टाइम पीरियड में परवेज मुशर्रफ का रूल था ठीक है परवेज मुशर्रफ बिल्कुल नेपोलियन बोनापार्ट की तरह ही फ्रांस का मिलिट्री जिसे कहते हैं जैसे वो फ्रांस का डिक्टेटर था आर्मी जनरल था इसी तरह से परवेज मुशर्रफ भी पाकिस्तान आर्मी का मिलिट्री कमांडर एंड द टाइम पीरियड विच वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज 1999 ठीक है 1999 में परवेज मुशर्रफ वो सिंपल एक आर्मी का कमांडर था कमांडर का मतलब क्या होता है पूरी आर्मी जो है वो उसके कंट्रोल में थी एंड पाकिस्तान में उस टाइम पीरियड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी यानी कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक थी लोगों ने मिलकर चुनकर अपनी गवर्नमेंट बनाई तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया परवेज मुशर्रफ सेम जैसे मिलिट्री जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था फ्रांस में 1804 में ही बिकेम द मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ द कंट्री तो परवेज मुशर्रफ ने आर्मी को अपने अंडर किया क्योंकि आर्मी के जो सोल्जर है ना वो परवेज मुशर्रफ के ऑर्डर को ज्यादा मानते थे एज कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक रूलर्स तो पूरी आर्मी को कंट्रोल करके उसने क्या किया कंट्री को कंट्रोल किया बाय अरेंजिंग रिबेलियन और रिबेलियन को जब मिलिट्री में रिवोल्ट होता है ना उसको क्या बोलते हैं मिलिट्री कूप काइंड ऑफ रिवोल्ट यहाँ पे कूप का मतलब क्या है रिवोल्ट मिलिट्री रिवोल्ट यानी कि 1999 में परवेज मुशर्रफ ही लेड मिलिट्री कूप का मतलब होता है मिलिट्री रिवोल्ट और इस तरह से उसने 1999 में पूरी पाकिस्तान को अपने अंडर ले लिया और डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो का मतलब होता है चेंज कर देन 2002 उसने क्या किया अपना डेजिग्नेशन चेंज कर दिया और उसने वो अपने आप को कंट्री का प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता ही बिकेम द प्रेसिडेंट 2002 और अब परवेज मुशर्रफ जो था जब कंट्री का प्रेसिडेंट बन गया
अब वो किस लिस्ट में आएगा, डेमोक्रेसी में आएगा या नॉन डेमोक्रेटिक में आएगा। तो इसके लिए उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री, और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए उसने क्या किया, कंट्री में इलेक्शन नहीं करवाए, इलेक्शन को रिप्लेस किया एक और वर्ड जिसको हम बोलते हैं रिफ्रेंडम। रिफ्रेंडम, रिफ्रेंडम और इलेक्शन में फर्क क्या होता है? इलेक्शन में क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने लीडर्स को नॉमिनेट करती हैं, टिकट देती हैं, फिर अलग अलग लोग अलग अलग लीडर्स को ईवीएम्स के द्वारा इलेक्ट करते हैं। जो पर्सन मैक्सिमम वोट से जीतता है उस पार्टी का लीडर जो है वो फिर क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन रिफ्रेंडम क्या होता है, रिफ्रेंडम इज जस्ट अ प्रपोजल, एक प्रपोजल होता है जिसमें लोगों से यस और नो पूछी जाती है। जैसे आप कंसेंट फॉर्म आपको दिया, आपसे पूछा ना यस और नो, काइंड ऑफ रिफ्रेंडम। रिफ्रेंडम का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रपोजल इन विच पब्लिक ओपिनियन जो ली जाती है वो इस प्रपोजल की फॉर्म में ली जाती है, यस और नो। लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है, यस और नो का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट ने अब क्या क्वेश्चन लोगों के सामने रखा, शुड द परवेज मुशर्रफ रूल कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। जैसे हम कई बार एग्जिट पोल नहीं करते, आपको कई बार टेलीविजन पे या इवन आप न्यूज़पेपर में भी देखते हो, आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, आपने उसको सबमिट करना होता है कि आपने उसके लिए यस कहा या नहीं। जैसे लाइक बीजेपी गवर्नमेंट, जब नरेंद्र मोदी जो है उनके 4 ईयर्स हो गए थे, 5 ईयर या 3 ईयर्स हो गए थे, तो लोगों से पूछा गया था कि हाँ जी यू आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, सम पीपल सेड यस सम सेड नो। ऐसे ही परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने 2002 में कंट्री में रिफ्रेंडम करवाया, एक प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब होता है लोगों से यस और नो कि परवेज मुशर्रफ का रूल आगे कंटिन्यू 5 ईयर्स के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि लोगों ने यस कहा होगा या नो कहा होगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर परवेज मुशर्रफ, क्योंकि उसने डिक्लेयर क्या कर दिया कि 90% पीपल दे सेड यस, है ना। अब क्या यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी थी, नो। अब रिजल्ट जैसा भी होगा, परवेज मुशर्रफ ने उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई, बिकॉज पुलिस मीडिया आर्मी वॉज एवरीथिंग वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ परवेज मुशर्रफ। और इस तरह से उसने क्या किया, 2002 के बाद 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंडेड हिज रूल, एंड 2002 के बाद उसने कंट्री जो है कंट्री का प्रेजिडेंट रहा, एंड इन 5 ईयर्स में उसने कंट्री में बहुत से चेंजेस अपने अकॉर्डिंग किए, लीगल फ्रेमवर्क पूरा चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, और मेनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा जो कंट्रोल जो था या जो चेंजेस किए गए दैट वर विद द हेल्प ऑफ आर्मी, यानी कि अब आर्मी डिसाइड करेगा कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। और परवेज मुशर्रफ जो थे वो, उनका कहा गया हर वर्ड जो है वो लॉ बन जाता, क्योंकि पार्लियामेंट, पुलिस, आर्मी, ईच एंड एवरीथिंग वॉज अंडर हिज कंट्रोल। तो जैसे हमारी कंट्री में लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, ये अलग अलग लेजिस्लेचर या अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर वहां पे ऐसा नहीं। अब आप ये सोचो कि अगर मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान कांट बी कॉल्ड ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री, एनी 5 लाइंस फॉर दिस, मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई। अब आपने, मैंने आपको ये बताया कि अब आप ये बताओ कि क्या पाकिस्तान 100% डेमोक्रेटिक है, और अगर पाकिस्तान 100% डेमोक्रेटिक नहीं है तो इस पूरे पैराग्राफ या पूरी जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन या पूरी केस स्टडी है, इसमें अपने 3-4 सेंटेंस आपने मुझे बताना है कि हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम आर कंट्री। यस हरिया, तो ऐसी केस स्टडीज जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन MCQs की फॉर्म में आ सकती है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड का मतलब होता है पैराग्राफ विल बी गिवन, क्योंकि हमने तो MCQ करना है ना, क्योंकि आपकी टर्म 1 के अकॉर्डिंग हमने MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें से आपको इयर्स याद करने हैं, मे बी समटाइम्स इन अ सोर्स ईयर विल नॉट बी गिवन, बट यू हैव टू रिमेम्बर, क्लियर। हाँ जी, एनी 3 or 4 लाइन्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आर कंट्री। यस तनवीन, यस बेटा, Yes, keep your mic on. What is the difference between Pakistan and our country? अगर हम ये scenario की बात करें तो how
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज। हाँ जी बच्चे, उसने अपने आप को डिक्टेटर नहीं कहा, उसने कहा कि ही इज द प्रेसिडेंट, बट वो रिफ्रेंडर के द्वारा चुना गया है। उसने कहा कि मैंने रिफ्रेंडम करवाया कंट्री में, लोगों ने यस कहा, वो अलग बात है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं। हाँ जी टू चेक, हाँ देयर वाज नॉट सच एनी ऑर्गेनाइजेशन टू चेक दिस प्रपोजल कि रिफ्रेंडम में यस था या नहीं। अगर यही हमारी कंट्री में होता तो सबसे पहले ऑपोजिशन पार्टी आती, ऑपोजिशन पार्टी क्या कहती, दैट दिस शुड बी प्रॉपरली चेक एंड शो टू पीपल, ये प्रॉपर लोगों को शो होना चाहिए। ठीक है कंट्रोल दी, ओके एनी अदर चेंज, एनी अदर डिफरेंस। हाँ जी नंबर वन, पांच वर्ड्स याद रखो ट्रांसपेरेंसी, सारे फीचर्स याद करो डेमोक्रेसी की, मेरिट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताए हुए मेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के, मेरिट्स है ट्रांसपेरेंसी, हमारी कंट्री में ट्रांसपेरेंसी है, हमारी कंट्री में लोग जिसको वोट करते हैं वही पर्सन विनर होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं। सेकंड इज मीडिया, हमारी कंट्री में मीडिया जो है दैट इज इंडिपेंडेंट, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया क्वेश्चनिंग नहीं कर सका, क्वेश्चनिंग नहीं कर सका, इसीलिए शायद उस टाइम पर मैं परवेज मुशर्रफ ने जो भी किया लोगों के सामने नहीं आया। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में अगर रूलिंग पार्टी कुछ भी करती है तो उसके लिए ऑपोजिशन जो है वो हमेशा उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, क्वेश्चन आर, जैसे आपने देखा होगा मॉक पार्लियामेंट होती है, यूथ पार्लियामेंट, ऐसे ही लोकसभा में भी क्वेश्चन आर होता है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था। फोर्थ इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी, हमारी कंट्री में आर्मी क्या, कभी आपने आर्मी को लोकसभा या राज्यसभा में बैठे देखा है क्या, आपने कभी आर्मी को एमपी या प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चनिंग करते देखा है, लेकिन उनकी कंट्री में क्या है, आर्मी की इंटरफेरेंस है। एंड लास्ट लास्ट सबसे पहले हमने ये बताना है कि हमारी कंट्री में आज तक कभी भी मिलिट्री रिवोल्ट नहीं, मिलिट्री रिवोल्ट का मतलब होता है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मिलिट्री जनरल है वो हमारी कंट्री का रूलर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन उनकी कंट्री में मिलिट्री का कंट्रोल बहुत ज्यादा था। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन से दैट पाकिस्तान कांट बी कॉल्ड ट्रूली डेमोक्रेटिक। नो डाउट नेट पे आप सर्च करोगे तो नेट में पाकिस्तान जो है वो किस लिस्ट में आता है, डेमोक्रेटिक। ठीक है यस, हाँ जी अगर वो 10 इयर्स के लिए कर लेता तो ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हो जाता। ठीक है हाँ जी, नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ चाइना, अब इसमें हमने पढ़ना है अबाउट चाइना, हाउ China is different from, the government of China is different from our country. China में सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका बहुत ज्यादा नेम है, but it doesn't mean कि वहां पे और भी parties नहीं, small parties are there, one party that is Chinese Communist Party. चाइना की बात करें, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना को कहा जाता है वन पार्टी नेशन, मेनी स्मॉल पार्टीज आर देयर बट इलेक्शंस ऑलवेज मैनेज, ठीक है जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें मैनेज करती है ये पार्टी और हमेशा यही पार्टी जीतती है, इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव लीडर चेंज होते रहते हैं लेकिन पार्टी पार्टी सेम रहती, ठीक है सेम पार्टी रूल, और भी बहुत सी पार्टीज हैं लेकिन वो कभी इलेक्शन जीतती नहीं, और अगर लोग उसको वोट करते भी हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि चेंज कर दिया जाता है, रिजल्ट कैन बी चेंज बाय दिस पार्टी। यहाँ की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का नाम क्या है, एनपीसी, जैसे हमारी कंट्री की क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा, चाइना की जो पार्लियामेंट है इसका नाम क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस, एनपीसी। कांग्रेस का मतलब हमारी कंट्री में जो कांग्रेस हो नहीं,
सिंपल कांग्रेस का मतलब पता क्या होता है? एसोसिएशन। तो कांग्रेस वर्ड आप यूएसए में भी पढ़ोगे, ठीक है, या कहीं भी आप कांग्रेस वर्ड पढ़ोगे तो कांग्रेस का मतलब यानी कि कांग्रेस पार्टी। हाँ, जैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है एसोसिएशन। तो एनपीसी, एनपीसी जो है दैट इज अ पार्लियामेंट ऑफ चाइना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यस लिसन, इफ एनी मेंबर वांट टू बिकम एमपी, एमपी का मतलब होता है कि जो यहाँ का मेंबर यानी कि पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि अगर किसी ने एमपी बनना है तो उस पर्सन को पहले अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो आप ऑटोमेटिक सोचो कि जब पार्टी उसको सपोर्ट करेगी वही पर्सन एमपी बनेगा, एमपी बनेगा तो आगे वही पर्सन जो है उसकी पार्टी या उसका रूल होगा और अल्टीमेटली बाकी जो पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को कभी आगे नहीं आने दिया जाएगा, जो बाकी पार्टीज होंगी ऑपोजिशन। बच्चे ऑपोजिशन का मतलब होता है कि और भी पार्टीज हैं लेकिन यहाँ पे ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, नो स्ट्रांग ऑपोजिशन। बहुत रेयर सुना होगा आपने चाइना के लोगों ने स्ट्राइक किया, चाइना के लोगों ने एजिटेशन किया, चाइना को बंद कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी को हरास किया गया। रीजन, मीडिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्टी, गवर्नमेंट जो है वो सारी इसकी है। तो यही रीजन है कि चाइना इलेक्शंस होते हैं, टर्म कितनी है, टर्म कितनी है, 5 years। अगर आप डेमोक्रेटिक लिस्ट में सर्च करोगे तो चाइना का नाम है, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन वन पार्टी नेशन का मतलब है कि सिर्फ एक ही पार्टी हमेशा जीतती है, पार्टी सेम रहती है, लीडर चेंज होते रहते हैं, इलेक्शन प्रॉपर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ दिखाने को इलेक्शन करवाए जाते हैं, इतना मैकेनिज्म जो है वो सारा दिखाया जाता है लेकिन पार्टी सेम रहती है, लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग। और एमपीसी का मतलब होता है जो एमपी यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको किससे अप्रूवल लेनी पड़ती है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट चाइना कांट बी कॉल्ड प्योरली डेमोक्रेटिक। रीजन इज, यहाँ पे भी आर्मी की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा, आर्मी यानी कि सम मेंबर्स आर कंट्रोल्ड बाय चाइनीज आर्मी, ठीक है। तो ऐसी कंट्री जहां पे आर्मी का कंट्रोल है, जहां पे एक ही पार्टी है, तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि वहां पे लोग जो हैं अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो वो क्या चेंज करेंगे? पार्टी तो सेम ही रहेगी, पर्सन को चेंज कर देंगे लेकिन पार्टी सेम रहेगी। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि चाइना कम्युनिस्ट का मतलब क्या, जैसे हमने रशिया का पढ़ा ना, रशिया में जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट। तो चाइना जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब होता है वहां पे प्राइवेट फैक्ट्रीज या कंपनीज कम है, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज और कंपनीज ज्यादा, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट का मतलब पार्टी का कंट्रोल, कौन सी पार्टी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ जी, तो वही मैं कह रही हूँ ना, हर पार्ट, हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। कहने को चाइना, चाइना भी कहते हैं कि हम जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन अब आप खुद सोचो कि बाकी पार्टीज कभी जीतती नहीं, हो सकता है। हाँ, तो जरूरी है, जरूरी है कि हाँ वन पार्टी। अच्छा, यूएसए में टू पार्टी सिस्टम, ओनली टू पार्टीज आर देयर, वहां पे सिर्फ टू पार्टी सिस्टम है। कई कंट्री, हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम, और जब जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ना वहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट ज्यादा बनती है। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? जब इलेक्शन में किसी एक पार्टी को वोट नहीं मिलता, ठीक है, तो क्या करती है? बहुत सी पार्टी जो है मेजोरिटी बनाती है, मिलीजुली सरकार जिसको कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, एक ही पार्टी है, एक ही होल्ड है। मे भी हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका फायदा, अच्छा एक और चीज है, तीन तरह का पार्टी सिस्टम होता है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बेस्ट है, हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग वो सिस्टम जो है कंट्री अडॉप्ट करती है। हमारी कंट्री में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है, उसके लॉस भी हैं और बेनिफिट भी। जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम होता है वहां पे भी लॉस है, बेनिफिट है। जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होता है वहां पे भी लॉस होता है और बेनिफिट है। तो थ्री पार्टी सिस्टम है, कोई भी पार्टी सिस्टम ये नहीं कह सकता कि 100% बेस्ट। प्रॉब्लम्स किसी ना किसी कंट्री में अपने अकॉर्डिंग होती ही, ठीक है।
हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों रखा गया, क्योंकि हमारी कंट्री एक मल्टी लिंगुअल कंट्री, सो मैनी स्टेट्स आर देयर, सो मैनी लैंग्वेजेस आर देयर, तो हर एक को जो है रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए हमारी कंट्री में दो तरह की पार्टीज होती हैं, स्टेट पार्टीज अलग हैं, नेशनल पार्टीज अलग है। जैसे अकाली दल है वो सिर्फ पंजाब में, नेशनल पार्टी की बात करें बीजेपी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो नेशनल है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं, चाइना में ऐसा नहीं, वो उनकी गवर्नमेंट जो जैसा प्लान करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा बनाएगी, तो हर एक कंट्री का सिस्टम जो है वो अलग होता है। सऊदी अरब में तो पार्टी सिस्टम है ही नहीं ना, वहाँ पे हेरिडिटरी रूल है, वहाँ पे लोगों के पास वोटिंग राइट ही नहीं है, वहाँ पे प्रिंस, हाँ उनका तो फैमिली रूल आफ्टर फैमिली ये, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं मैक्सिको, नेक्स्ट कंट्री मैक्सिको, डेमोक्रेटिक लिस्ट में मैक्सिको भी आती है, पर प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहां पे भी सेम चाइना की तरह एक ही पार्टी है, PRI, इसको ऐसे लिखोगे इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, एंड यू नो मैक्सिको वॉज वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाइट, व्हाइट मीन्स जैसे हमारी कंट्री यूरोपियंस के अंडर थी, एंड दिस कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस इन 1930 में इस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, एंड इस कंट्री में टर्म जो है चेंज है 6 years, याद रखना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो टर्म है दैट इज 6 years, हमारी कंट्री में क्या है 5, तो सबसे पहले याद रखो इन विच ईयर मैक्सिको गेन इंडिपेंडेंस 1930, व्हाट इज द टर्म फॉर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट 6 years, ठीक है, एंड व्हाट इज द, क्या ये मैक्सिको जो है दैट इज वन पार्टी नेशन, कहने को वन पार्टी नेशन का मतलब होता है और भी स्मॉल पार्टीज आर देयर, are there, but this party played dirty tricks to win election, dirty tricks का मतलब क्या होता है, election जीतने के लिए हर possible effort करते हैं, कौन कौन से efforts करते हैं, media, अब dirty tricks में लिखो क्या क्या करते हैं, number one media, media never show एनीथिंग रॉन्ग अबाउट दिस पार्टी, कैन नेवर, यानी कि मीडिया शो ही नहीं कर सकता, उसके पास पावर ही नहीं, मीडिया कैन नेवर शो रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ PRI। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड टीचर्स दे हैड टू अटेंड पार्टी मीटिंग्स कंपल्सरी, कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको पार्टी की मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी टू अटेंड गवर्नमेंट मीटिंग्स फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड टीचर्स, रीजन क्या, टीचर्स अपने स्कूल्स में पेरेंट्स को कन्विंस करें कि आप इस पार्टी को वोट करो, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तो उनको कंपलसरी किया जाता है कि आप सिर्फ इसी पार्टी को वोट करो और आपके वोट चेक किए जाएंगे, जब आपको पता है कि आपका वोट चेक किया जाएगा तो आप क्या करोगे, क्या अपना वोट चेंज करोगे, नो, जब लोगों को पता है कि उनके वोट चेक किए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री में रहकर वो इस पार्टी के साथ किसी भी तरह से वो इसके एनिमी नहीं बने, करते होंगे पनिशमेंट, करती तो है, डर्टी ट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर कोई पर्सन ऐसा होता होगा तो ऑटोमेटिकली पनिशमेंट भी दी जा सकती है, इसका मतलब दिखाने को वहां पे स्मॉल पार्टीज हैं, लेकिन हमेशा PRI ही हमेशा जीतती है, और इनके रूलर, इनके रिपोर्ट अब तक, मतलब PRI का कंट्रोल 1930 से लेकर अब तक, अब इसको कंपेयर करो हमारी कंट्री के साथ, हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली 1947 के बाद, सो मेनी पार्टीज चेंज, कभी कांग्रेस, कभी BJP, कभी जनता पार्टी आई, पार्टीज कीप ऑन चेंजिंग एंड लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन इस कंट्री में 1930 के बाद सिर्फ एक ही पार्टी का रूल, ठीक है, कहने को ये मेक्सिको क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री, बट डू यू थिंक, ठीक है, क्योंकि ये कंट्री जो है, जब लोग, पीपल आर नॉट फ्री,
टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर मुझे पता है कि जो पीआरआई का लीडर है दैट इज नॉट कैपेबल, बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको वोट नहीं करूंगी तो मेरी वोटिंग जो है वो क्या हो सकती है, इट कैन बी चेक, और अगर चेक की जाएगी तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दे कैन बी डिसमिस फ्रॉम देयर जॉब्स, दे कैन बी टर्मिनेटेड। तो अल्टीमेटली ऐसी कंट्री जहां पे आप इलेक्शन का राइट, वोटिंग राइट आपको दिए, लेकिन यू आर नॉट फ्री टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ऐसी कंट्री में वोटिंग राइट देने का कोई फायदा नहीं। नॉर्थ कोरिया में सिस्टम है, हाँ जी है, कोई कैंडल्स जो से पार्टी के अंदर आते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में वी आर फ्री टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव। आप जब भी आप वोटिंग करने के लिए जब 18 इयर्स के बाद जाओगे ना, आप देखोगे कि ईवीएम है प्रॉपर, वहां पे जो है उसको कवर किया जाता है, और आपने जिसको वोट किया ना बाहर आके जिसको मर्जी बताओ चेक नहीं होगा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें आपका वोट चेक हो, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट मेक्सिको। नेक्स्ट कंट्री इज जिम्बाब्वे। यहां तक लर्न हो गया? एनी डाउट बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस, एनी डाउट टू यू? यू हैव टू लर्न द ईयर, नेम ऑफ पार्टी। हाँ जी जब जी, यस बेटा, कीप ए माइक ऑन। यस, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। सिर्फ वन पार्टी नेशन हम कहेंगे। यू आर नॉट ऑडिबल। मैं जिया जानवी। यस, कीप ए माइक ऑन। मैम प्लीज रिपीट द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी ऑफ चाइना एंड इंडिया। ओके, डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया, चाइना इज अ वन पार्टी नेशन, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया इज अ मल्टी पार्टी, सो मेनी पार्टीज आर देयर, आप दो तीन पार्टीज के कोई भी नेम बता सकते हो, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, इवन स्टेट पार्टीज भी हैं, अकाली दल, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में ना, शिवसेना। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी इज मोर इन चाइना, बट नो इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी इन इंडिया। थर्ड, आपने थर्ड बताना है, yes, to become MP, people need not to take any permission from any particular party, but in China, people, they have to take permission from Chinese Communist Party. Media is not under the control, but China mein kya hai, media is under control of party. उसके बाद कंट्री में इलेक्शन हुए थे, अब तो आज का, यस, हु इज द प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान? इमरान खान। एंड आर्मी जनरल कौन है? हाँ है ना, बताओ। हाँ, तो आपने उसका कितना नाम सुना, क्या आपने इंडिया में आर्मी जनरल का नाम इतना सुना? तो इसी से पता लगता है कि वहां पे आर्मी जनरल का कितना होल्ड है, कितना नाम है। नाम बताओ, टेल मी द नेम, बताओ। हाँ जी, बाजवा, मेजर जनरल जो पाकिस्तान के। तो इसी से पता लगता है कि पाकिस्तान आर्मी में कितना होल्ड है।